सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास स्टड्स का थंडर हेलमेट है। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से, तो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रहा हूँ। तो आज मैं इसका आपको फुल रिव्यू दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आप इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए ताकि आपको आइडिया सा हो जाए कि ये हेलमेट देखने में कैसा है। तो जो इसमें ख़ास चीज़ है जो मुझे पर्सनली पसंद आई है, इसका वाइज़र है जो कि मिरर शेडेड में आता है। तो काफ़ी बढ़िया मुझे इसका ये वाइज़र लगा, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ करा था। तो देखने में भी ये हेलमेट काफ़ी स्पोर्टी हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसके कुछ एयर वेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं ताकि हमें काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन अंदर देखने को मिल जाए। तो आगे की तरफ भी हमें एक एयर वेंट देखने को मिल जाता है ताकि हमें काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन अंदर भी मिले। तो ये एक आगे की तरफ है और दो ऊपर की तरफ हैं। तो मैं अब आपको इसके अंदर का लुक दिखा देता हूँ कि अंदर से हेलमेट देखने में कैसा है। तो आपको जो ये अंदर से पैडिंग दिख रही है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका एक्चुअल वेट हमें देखने को मिल जाता है जो कि 1300 ग्राम्स का है। तो बात कर लेते हैं हम अपने वाइज़र की, जो कि इस पे टेन प्रोटेक्शन की गई है और जिसकी वजह से आप इसे सिर्फ डे लाइट में, डे टाइम में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसे नाइट टाइम में यूज़ करते हो तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर रहेगी और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये बात आपको बोलना ज़रूरी था ताकि आपको पता चल जाए। तो आप एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक्स और मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियो की एंड में। करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसे ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा था, तो अगर मुझे अमेज़ॉन की लिंक मिल गई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर लीजिएगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है स्कूटी या हेलमेट के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो अगर हेलमेट पसंद आया तो नीचे बाइंग लिंक है, तो जल्दी से बाई कर लीजिए। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा कम्फर्ट हमें इसमें देखने को मिल जाता है और काफ़ी अच्छी स्पोर्टी लुक भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।